गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास सेकेंड की मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा की बुक है। आज हम आप लोगों को इसका 10th चैप्टर रीड कराएंगे, आत्मत्याग। मतलब कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आत्मत्याग क्या होता है। आत्मा का त्याग ही आत्मत्याग होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि अरब देश में हातिम ताई नाम का एक राजा राज करता था। मतलब कि बहुत पहले की बात, बहुत ज़्यादा साल पहले की बात है कि अरब देश, आप जानते होंगे सऊदी अरब, वहाँ पे हातिम ताई नाम के एक राजा थे जो राज करते थे। हातिम ताई के मतलब ऊपर मूवी भी बनी है, हातिम ताई की फिल्म भी है। वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे राजा थे, जो मतलब कि दूसरों के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होते थे। वह सदा दूसरों की भलाई करने के लिए तैयार रहता था। एक बार एक पड़ोसी राजा ने हातिम ताई के राज पर चढ़ाई कर दी। मतलब कि जैसा हमने बताया कि वो हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और एक बार की बात है कि जो दूसरे मतलब इनके विरुद्ध जो राजा थे, उन्होंने पड़ोसी जो राजा थे, उन्होंने हातिम ताई के राज पर चढ़ाई कर दी। मतलब कि लड़ाई का जंग करनी चाहिए। जनता ने कहा सरकार दुश्मन सबको मार डालेगा। मतलब कि वो लोग इनके जितने मतलब राज के लोग थे उन पर मतलब उनको मार पीट कर मतलब मार रहे थे और उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। तो जो जनता थी उन्होंने कहा कि हातिम ताई से कि सरकार जो हमारे मतलब अगेंस्ट जो दुश्मन लोग हैं वो सबको मार डालेंगे। सेनापति ने कहा हुजूर हमें दुश्मन से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मतलब कि जो उनके हातिम ताई के सेनापति थे उन्होंने कहा कि मतलब कि हुजूर आप सिर्फ हमको मतलब कि युद्ध करने की आज्ञा दीजिए, लड़ाई करने की बस अनुमति दे दीजिए और बाकी तो हम सब देख लेंगे। लेकिन जो राजा हातिम ताई होते वो इसकी अनुमति नहीं देते। हातिम ताई ने पड़ोसी राजा से युद्ध करने से मना कर दिया। वह अपना राज छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा। लेकिन पड़ोसी राजा हातिम ताई को बंदी बनाना चाहता था। मतलब कि इधर इनके मतलब हातिम ताई के जो सेनापति थे और बहुत और जनता जो थी वो लोग सब लोग चाहते थे कि मतलब युद्ध करें। जो दूसरे राज वाले मतलब कि पड़ोसी जो राजा थे उनसे युद्ध करना चाहते थे, उनसे बदला लेना चाहते थे। लेकिन जो हातिम ताई जो राजा थे उन्होंने मतलब ऐसा करने से मना कर दिया, तो इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे, युद्ध करने की लड़ाई करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। और वो मतलब अपने राज को मतलब छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन जो दूसरा पड़ोसी जो राजा होता है वो हातिम ताई को बंदी बनाना चाहता है, मतलब कि अपने कैद में जेल में रखना चाहता है। उसने घोषणा की जो कोई बहादुर आदमी हातिम ताई को पकड़कर हमारे सामने लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। मतलब कि उसने पूरे अपने राज में ये घोषणा कर दी, ये ऐलान कर दिया कि जो कोई भी मतलब कि कोई भी मतलब मनुष्य अगर हातिम ताई को मेरे राज में लेकर आएगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मतलब कि जो भी वो मांगेगा या मतलब भारी इनाम, बहुत ज़्यादा बड़ा इनाम दिया जाएगा अगर कोई मतलब वो लेके आएगा हातिम ताई को। जिस जंगल में हातिम ताई रह रहा था उसी जंगल में एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। निकट ही उसकी पत्नी बैठी हुई थी। मतलब कि जिस जंगल में राजा हातिम ताई रह रहे थे उसी जंगल में मतलब एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया था और उसकी मतलब बीवी जो थी वो भी पास में ही बैठी हुई थी। थोड़ी सी लकड़ियाँ काट कर वह पत्नी के पास आकर बैठ गया। फिर बोला यदि हमें कहीं हातिम ताई मिल जाता तो हम उसे पकड़कर राजा को सौंप देते, राजा हमें खूब सारा इनाम देता, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाती। मतलब कि वो बहुत मतलब दुखी
मन से दुखी भरे लफ्जों से बोलता है, शब्दों से, कि अगर काश हमको, मतलब अगर लकड़ी, मतलब काटता रहता है और कहता है अपनी बीवी से कि अगर काश हमको, मतलब राजा हातिम ताई मिल जाता तो हम उसे पकड़ कर, मतलब दूसरे राजा को सौंप देते, दे देते और हमें खूब सारा इनाम मिल जाता और हमारी गरीबी दूर हो जाती। पत्नी बोली, तुम्हें लालच ने अंधा कर दिया है। हातिम ताई जैसा राजा, जैसे राजा के बारे में ऐसा सोचना भी महापाप है। मतलब कि उसकी जो पत्नी होती है, उसकी बीवी जो होती है, वो कहती है कि तुम्हें ऐसा सोचना भी, मतलब गलत है और तुम्हें लालच ने अंधा कर दिया है। ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है, क्योंकि हातिम ताई जैसे राजा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे राजा थे ना वो, क्योंकि वो गरीबों और, मतलब जो बेसहारा होते हैं उनके बहुत ज़्यादा मददगार थे। इस वजह से वो ऐसा सोच, उनकी पत्नी कहती है कि ऐसा सोचना भी गुनाह है। उसी वक्त हातिम ताई वहाँ से गुजर जा रहा था। उसने लकड़हारे की बात सुनी तो वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा, तू तो सदा धर्म कर्म की बातें सोचती रहती है, इसमें पुण्य पाप पुण्य की क्या बात है। मतलब कि हातिम ताई जो होते हैं वो ऐसे गुजर रहे होते हैं वहाँ से, तो वो लकड़हारे की बात सुन लेते हैं और वो जाकर पेड़ के पास छिप जाते हैं, पेड़ के एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और लकड़हारे की बात सुनने लगते हैं। लकड़हारा फिर बोलता है अपनी, मतलब पत्नी से, कि तू, मतलब कि तुम हमेशा धर्म कर्म की ही बात, मतलब सोचती हो और पाप पुण्य से, पाप पुण्य की क्या बात है। पत्नी चुप रही। हातिम ताई जी ने सोचा, यदि मैं अपना जीवन परोपकार में लगा दूंगा तो कितना अच्छा होगा। मतलब हातिम ताई सोचने लगते हैं कि अगर हम, मतलब मैं अपना जीवन जो है वो दूसरों की भलाई में लगा दूँ तो कितना अच्छा रहेगा। इतना सोच कर वह लकड़हारे के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं हातिम ताई हूँ, मैं जंगल में भाग आया था, अब मुझे पकड़ कर राजा के पास ले चलो, राजा तुम्हें अच्छा इनाम देगा। हातिम ताई को देखकर लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मुझे कुछ देर पहले अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात अच्छी लगी, अतः अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन हातिम ताई ने समझा बुझा कर लकड़हारे को ऐसा करने के लिए राजी कर लिया। मतलब कि, मतलब जो हातिम ताई थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना, मतलब मैं इसकी, मतलब लकड़हारे की मदद करूं। इस वजह से वो लकड़हारे के सामने आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं हातिम ताई हूं और मैं ही जंगल से, मतलब जंगल में भाग आया हूं और तुम मुझे, मतलब पकड़ के ले जाओ और राजा के सामने पेश कर सकते हो, इससे तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन लकड़हारा जो होता है वो कहता है, थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी ने जो मुझसे बात कही थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। उसकी पत्नी ने कहा था ना कि लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया और, मतलब किसी के बारे में ऐसा, मतलब वो बहुत अच्छे राजा, उनके बारे में ऐसे सोचना भी पाप है, तो यही सब वो सोच रहा था कि ऐसा करना गलत है। तो लेकिन हातिम ताई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसे, मतलब पहला फुसला कर, मतलब ज़बरदस्ती करके उसे, उसके साथ कहते हैं कि मुझे ले जाओ राजा के सामने। लकड़हारे ने हातिम ताई को ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने हातिम ताई से पूछा, इस आदमी ने आपको किस तरह पकड़ा। हातिम ताई ने उत्तर दिया, इस व्यक्ति ने मुझे नहीं पकड़ा, मैं स्वयं इस लकड़हारे को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए इसके साथ आया हूँ, यह बहुत गरीब है, आप मुझे जेल में डाल दीजिए और इस गरीब को इनाम देकर गरीबी से मुक्त कर दीजिए। क्योंकि जो लकड़हारे ने, जब हातिम ताई को राजा के सामने, मतलब उनके अगेंस्ट जो, उनके विरुद्ध जो राजा होते हैं, पड़ोसी राजा, उनके सामने जब पेश करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि लकड़हारे ने आपको, मतलब कि तुम्हें कैसे पकड़ा, तो फिर हातिम ताई बोलते हैं कि उसने मुझे नहीं पकड़ा, मैं खुद, मतलब यहाँ पे आया हूँ अपनी मर्जी से इसकी गरीबी दूर करवाने के लिए, मतलब कि आप मुझे जेल में डाल दीजिए और इसे मुँह मांगा इनाम दे, मतलब कि भारी इनाम देकर इसकी गरीबी दूर कर दीजिए। हातिम ताई की बात सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। वह हातिम ताई के परोपकार और आत्मत्याग के प्रभाव से
तुरंत बदल गया। उसने लकड़हारे को भारी इनाम देकर विदा किया और हातिम ताई को उसका राज वापस कर दिया। मतलब कि बिना ऐसी बात सुनकर किसी दूसरे राजा के, मतलब कि जो उसका दुश्मन है उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर जो पड़ोसी राजा होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब लज्जित हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है और बहुत मतलब उसको बुरा लगता है। इसलिए वो सोचता है कि मतलब कि ऐसे हातिम ताई जैसे इतनी मतलब परोपकार, दूसरों की भलाई करने वाले और अपनी मतलब आत्मा का त्याग करने वाले राजा का मतलब को मतलब के बारे में सोच कर ऐसा वो खुद भी बदल जाता है और लकड़हारे को ज़्यादा मतलब ढेर सारा इनाम देकर उसे विदा कर देता है और हातिम ताई को भी उनका राज्य जो होता है वो वापस कर देता है। हातिम ताई जैसा आत्म त्यागी व्यक्ति दुनिया में बहुत कम होते हैं। मतलब कि हातिम ताई जो हैं उनके जैसे जो आत्म त्यागी दूसरों की मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ये बात सच है। लेकिन बच्चों हमें इस स्टोरी से ये मतलब शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके मतलब दया करनी चाहिए और दयालु बने रहना चाहिए। तो ये स्टोरी यहीं कंप्लीट हो रही है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें एंड अंडरस्टैंड करें।